वेलकम स्टूडेंट माई सेल्फ रविकांत केमिस्ट्री एजुकेटर अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर जनकपुरी तो आज जो हम वन शॉट में वीडियो लेकर आए हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉम क्लेचर स्टार्ट सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं तो यहां पर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रजीलियस ठीक है तो ब्रजिलियस से पूछा गया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो उन्होंने ये बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज जिनको हम लोग लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेंट करते हैं एंड दीज कैन नॉट बी प्रपेयर इन द लैब तो ये लैब में प्रपेयर नहीं कर सकते मतलब हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हम इन कंपाउंड को बना नहीं सकते तो ये बर्जीलियस ने बोला था और उन्होंने एक थ्योरी दी दैट थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कुछ अदृश्य शक्तियों से बनते हैं इनको हम लोग बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते उनका नाम था वोलर उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा उन्होंने अमोनियम साइनेट को अपनी लैब में हीट किया तो जब हीट किया तो एक्सीडेंटली एक्सीडेंटलीर इज अ प्रेपरेशन ऑफ यूरिया वहां पर यूरिया प्रिपेयर हो गया तो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूरिया का प्रेपरेशन हो गया तो इसका मतलब है वोलर ने लैबोरटरी के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज़ कर दिया ठीक है आफ्टर वोलर हमारे पास साइंटिस्ट है कोलबे तो कोलबे ने क्या किया कोलबे ने एसिडिक एसिड acid का प्रेपरेशन किया और फिर ब्रेथोल्ट ब्रेथोल्ट ने क्या किया मिथेन गैस का प्रेपरेशन किया इसका मतलब जो ब्रजिलियस की थ्योरी थी वो गलत हो गई उन्होंने क्या कहा था कि भाई लैब में हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते वोलर ने क्या बना दिया यूरिया बना दिया कोलबे ने क्या बना दिया एसिटिक एसिड बना दिया ब्रेथॉल्ट ने क्या बना दिया दैट इज गैस तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन द लैब तो वहां से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछेगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बोलेगी दैट इज बोलेगीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट ऑर्गेनिक तो कंपाउंड के अंदर कार्बन तो कंपलसरी कार्बन तो होगा ही होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहां पर कार्बन से बहुत ज्यादा कंपाउंड बनते हैं ठीक है तो इसकी, इसके दो, दो रीजन है कार्बन से बहुत ज्यादा कंपाउंड बनते हैं इसके दो रीजन है पहला कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का है एंड सेकंड वन प्रॉपर्टी कैटेनेशन कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है तो कार्बन ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है तो उसके दो रीजन क्या है तो पहला रीजन है कि हमारे पास टेट्रा वेलेंसी एंड सेकेंड रीजन है हमारा कैटिनेशन ठीक है तो फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकेंड इज कैटिनेशन कैटिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेज कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है ठीक है नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉम ठीक है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनके नाम याद रखने बड़ी मुश्किल हो जाती है तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया तो सबसे पहले ट्रिवियल सिस्टम तो ट्रिवियल सिस्टम में क्या होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सोर्स से ऑप्टेंड होते थे उसी के बेसिस पर उसका नाम रख दिया जाता था फॉर एग्जांपल एच एच अब ये कैस कहां से ऑप्टेंड होता है फॉर्मिकस है वहां से ऑप्टेंड होता है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया दैट इज फॉर्मिक एसिड इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम रख दिए गए तो ट्रिवियल सिस्टम में एक जनरल रूल भी बनाने की कोशिश की गई तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो हम उसको फॉर्म बोलेंगे अगर कंपाउंड के अंदर दो कार्बन है तो हम उसको एसिड बोलेंगे ये जनरल है अगर कंपाउंड के अंदर तीन कार्बन है, तो हम उसको बोलेंगे। अगर कंपाउंड के अंदर चार कार्बन है, तो हम उसको बुटायर बोलेंगे अगर कंपाउंड के अंदर पांच कार्बन है, तो हम उसको वेलर बोलेंगे और अगर कंपाउंड के अंदर छह कार्बन है, तो वहां पर हम लोग कैपर यूज करेंगे ठीक है ये बड़ा सिंपल है और इसके ये कॉमन है तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जनरल क्वेश्चन है कैप्रोलेक्टम तो कैप्रोलेक्टम में क्या होगा कैप्रोलेक्टम में सिक्स कार्बन विल बी प्रेजेंट क्योंकि कैपर शब्द हम यूज हो गया वेलरिक एसिड पांच कार्बन हो ठीक है ये हर एक जगह वैलिड नहीं है कुछ इसमें जैसे एसिड है अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूंगा तो एसिटिक एसिड में क्या होता है सीएस थ्री सीएएच तो कितने कार्बन है हमारे पास दो कार्बन बट एट द सेम टाइम अगर मैं एसिडोन की बात करूं तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो सी एस थ्री तो दिस इज द एसिटोन एंड दिस इज एसिटिक एसिड अब एसिडोन में कितने कार्बन है एसिडोन में तीन कार्बन है तो ये हर एक जगह वैलिड नहीं है तो इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है ओके तो बट ये जनरल है कि अगर मैं फॉर्मेलिटी हाइड तो इसका मतलब एच सी एच ओ तो फॉर्मेलिटी हाइड क्या हो गया एच सी एच ओ तो कितने कार्बन है वन कार्बन है तो दिस वॉज दैट ट्रिव्यूअल सिस्टम तो ट्रिव्यूल सिस्टम में सोर्सेज होते थे फिर कॉमन नेम देने की कोशिश की गई तो कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर सिस्टम दैट इज आई दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई यूपीएससी सिस्टम इन्होंने क्या बोला इन्होंने एक रूल बनाया प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सुफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रफिक्स वर्ड रूट एंड सुफिक्स जो प्रफिक्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं पहले नंबर पर सेकेंडरी परफिक्स एंड यहां पर क्या होता है प्राइमरी प्रिफिक्स ठीक है सिमिलरली जो हमारे सुफिक्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं दैट इज प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स ओके तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हमने नाम करण करना है तो हम लोग इस विद, इस सिस्टम से चलेंगे दैट इज प्रिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सुफिक्स तो प्रिफिक्स सेकेंडरी प्रिफिक्स फिर प्राइमरी प्रिफिक्स फिर वर्ड रूट फिर प्राइमरी सुफिक्स फिर सेकेंडरी सुफिक्स तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी <coughs> प्रिफिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स क्या होता है दैट इज अवर साइक्लो साइक्लो क्या है इट डिस्टिंग्विश साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम साइक्लिक कंपाउंड तो हमारे पास जो प्राइमरी परफिक्स होता है ये क्या करेगा इट डिस्टिंग्विश साइक्लिक कंपाउंड जैसे किसी के आगे साइक्लो लग गया फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या होगा दिस इज अवर साइक्लो ब्यूटेन ठीक है दिस इज अवर साइक्लो पेंटेन यह मैं जो लिख रहा हूं यह बॉन्न नोटेशन होती है इसमें आपको कुछ नहीं करना जितने हमारे कॉर्नर होते हैं उतने ही हमारे कार्बन होते हैं आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं ठीक है तो हमारे पास ऐसे ये कार्बन है एक दो तीन चार पांच आर हैविंग तो, पांच है। तो इसमें कितने एक दो तीन चार पांच छे, छे कार्बन है तो इसका मतलब यहां पर इसका नाम क्या हो गया साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो है तो दीज आर द Primary prefix that is called cyclo. तो इट डिस्टिंग्विश साइकिल कंपाउंड फ्रॉम अलिकाउंड साइकिल से अलग करता है जिसके आगे साइक्लोलग मान लो मैं बोला साइक्लो प्रोपिन अंडर स्टूड एविल साइक्लिक कंपाउंड ओके अब देखिये हमारे पास यहां पर अगली जो चीज है दैट इज अवर सेकेंडरी फिक्स सेकेंडरी प्रिफिक्स क्या होता है इट इज यूज टू डिनोट ग्रुप्स अदर देन फंक्शनल ग्रुप इट इज यूज टू डिनोट ग्रुप्स अदर देन फंक्शन ग्रुप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर फ्लोरिन की बात करूंगा तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो क्लोरीन के लिए क्लोरो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आयोडीन के लिए आयडो ये आर ग्रुप है जहां पर आर शब्द लिखा होता है तो आर का मतलब अल्काइल होता है अब देखिए सभी स्टूडेंट को एक बात पता होनी चाहिए यहां पर मेरे पास CH4 फोर है दिस इज अवर सी एच फोर अगर मैं सी एच फोर से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं माइनस हाइड्रोजन तो यहां पर क्या बनेगा दिस इज कॉल्ड सी एच थ्री ये वाली चीज क्या हो गई दिस इज अवर मिथेन एंड ये वाली चीज क्या हो गई दिस इज अवर मिथाइल तो पहली चीज क्या हो गई मिथेन और दूसरी चीज क्या हो गई दैट इज मिथाइल सिमिलरली हमारे पास अगर मैं यहां पर आपको जब भी ये जो मिथाइल है दिस इज अवर अल्काइल ग्रुप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना तो अल्काइल ठीक है हमारे पास अगर सी एस थ्री लिखा है तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल सी टू एच फाइव अगर लिखा होगा तो दिस इज कॉल्ड इथाइल सिमिलरली कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है ई टी तो ई टी का मतलब इथाइल होता है और यहां पर एम ई तो एम ई का मतलब मिथाइल होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है नेक्स्ट अगर मेरे पास NO2 होगा तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एंड NO होगा तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो तो बच्चों सेकेंडरी प्रिफिक्स क्या होते हैं दीज आर यूज टू डिनोट द ग्रुप्स अदर देन द फंक्शन ग्रुप एटम या ग्रुप्स अदर देन द फंक्शन ग्रुप तो यहां पर एटम भी लिख सकते हैं ठीक है एटम्स और अदर फंक्शन ग्रुप जो फंक्शन ग्रुप नहीं है उनको हम लोग सेकेंडरी परफिक्स से डिनोट करते हैं देखिए प्राइमरी परफिक्स में क्या यूज किया था साइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड को असाइक्लिक से अलग करने के लिए साइक्लो यूज किया था ना तो सेकेंडरी परफिक्स भी हमें क्लियर हो गया है नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड रूट हाँ जी इट अ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन देरेंट चेन तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड रूट पेरेंट चेन जिस चेन को तुमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वह पूछेगा क्या कंपाउंड कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन है क्या वो वर्ड रूट से डिनोट होते हैं नो no. अगर वो स्ट्रेट लाइन है तब तो हो सकते हैं पर अगर वो ब्रांचिंग में होगा तो कैसे होगा तो वर्ड रूट देखकर आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इस कंपाउंड में इतने ही कार्बन है ठीक है कार्बन तो हो तो होंगे तो दैट विल बी इथ तीन कार्बन होंगे बी प्रॉप चार कार्बन होंगे तो दैट विल ब्यूट पांच कार्बन होंगे दैट विल बी पेंट छे कार्बन होंगे तो दैट हेक्स सात कार्बन होंगे तो दैट विल हेप्ट आठ कार्बन होंगे तो दैट विल बी ऑक्ट नौ कार्बन होंगे तो दैट विल बी नॉन एंड दस कार्बन होंगे तो दैट विल बी डेक ठीक है दस से ज्यादा आगे जाने की जरूरत दस से ज्यादा आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है तो अगर फिर भी हम लोग लिख लेते हैं इलेवन होंगे तो डेक ट्वेल्व होंगे तो दिस इज डूटेक ठीक है ऐसे ही चलता रहता है ट्राई ट्राइडेक टेट्राडेक और उसके बाद अगर ट्वेंटी होते हैं तो आइकस तो हमें उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो दिस इज अ वर्ड रूट, वुड अ नंबर ऑफ कार्बन इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कितने पेरेंट चेन जिस चेन को आपने सेलेक्ट किया है अगर तुम्हारा कंपाउंड उसमें एक लीनियर चेन एक ही एक ही चेन है बस उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका मतलब है फिर वहां पर आप वर्ड रूट के बेसिस पर बता सकते हो कि इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, ओके okay? तो सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है नाउ लेट स्टार्ट फर्दर नेक्स्ट इज अवर सुफिक्स अब हम लोग वर्ड रूट क्लियर हो गया सेकेंडरी प्रोफिक्स हो गया प्राइमरी परफिक्स हो गया अब हम सुफिक्स की बात हैं अब सुफिक्स दो प्रकार के होते हैं टू टाइप्स ऑफ सुफिक्स फर्स्ट इज प्राइमरी सुफिक्स तो प्राइमरी प्राइमरी सुफिक्स हाँ जी जो हमारा प्राइमरी सुफिक्स है इट इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन द कंपाउंड इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ लिंकेज इन द कंपाउंड ठीक है अगर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स यूज करेंगे दैट इज इन अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके लिए इन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आई ठीक है अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे डाईन दो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे डाई आई सिमिलरली अगर एक से ज्यादा मतलब दो हो तीन हो तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवर सेकेंडरी सोफिक्स सेकेंडरी सुफिक्स इंडिकेट्स The type of functional group present in the compound. This is the functional group. ठीक है फंक्शन ग्रुप क्या होता है विच गिव द प्रॉपर्टीज विच गिव द दिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं ओ OH एच लिखा है तो इसका मतलब वो फंक्शन ग्रुप क्या है हमारा अल्कोहल ठीक है सिमिलरली सी एच ओ तो दिस इज कॉल्ड एल डी हाइट सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ तो दिस इज कॉल्ड कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच So, this is called carboxylic acid. Next, C double bond O, O, C double bond O. This is called acid anhydride. C double bond O, O, so this is called ester. डब्ल्यून ओ एंड सी एल दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड सी डब्लून ओ एंड एन एच टू तो दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड ये जो चारों के चारों हैं दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से परपेयर होते हैं ये कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बिक ऐसे नेक्स्ट अगर हमारे पास सी एन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड नाइट अगर हमारे पास ये वाला लिंकेज है तो दिस इज कॉल्ड इथर एक्सेट्रा बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है हमारे पास बट हमें कुछ कॉमन से ही फंक्शन ग्रुप पर काम करना है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी सोफिक्स का मतलब क्या हुआ सेकेंडरी का मतलब है इट इंडिकेट ऑफ फंक्शन ग्रुप फंक्शन ग्रुप क्या हो गया इट इज अटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड ठीक है फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पहला फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है तो अल्कोहल का सिंबल क्या हो गया ओ uh. एच दूसरा क्या है हमारा एल तो दिस इज सी तीसरा क्या है हमारा कीटोन दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ चौथा क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच सिमिलरली फोर आर द डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कोई मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक का नॉर्मन क्लेचर भी कोई मुश्किल नहीं है बस आप उसका एक सीक्वेंस समझिए अगर आप इसको लिख लिख कर जो भी ये वीडियो चल रहा है इसमें पॉज कर लीजिए और इसको लिख लिख कर आपने प्रैक्टिस कीजिए ये सारे कंपाउंड एक बार हाथ से जरूर लिखिए ऑर्गेनिक याद नहीं करनी है ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो ग्रिप बढ़ेगी ओके तो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड प्राइमरी परफिक्स सेकेंडरी परफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सोफिक्स और भी फंक्शन ग्रुप है हमारे पास जैसे एनएच टू मेज तो बाकी सारे जो भी ये सारे फंक्शन ग्रुप है इनकी नेमिंग हम अलग से करेंगे ओके तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें उसमें पहला पॉइंट सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन टर्शी कार्बन एंड क्वाटनरी कार्बन तो कार्बन अटैच विद नो कार्बन या तो वो सिंगल कार्बन हो और अटैच विद वन कार्बन उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन अटैच विद नो कार्बन और विद वन कार्बन सेकेंडरी कार्बन कार्बन Attached with two another carbon, tertiary carbon, carbon attached with three carbon, and quaternary carbon, carbon attached with. कार्बन तो प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन टर्शी कार्बन इनके पास जो जो हाइड्रोजन होंगे उनकी डिग्री भी वैसे होगी जैसे प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे टर्शी कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग टर्शी हाइड्रोजन बोलेंगे क्वार्टनरी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा ओके तो अगर मैं यहां पर सीएस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री एंड सी एस थ्री तो ये वाला कार्बन अब इस कंपाउंड को कंसीडर कीजिए ये वाला कार्बन है तो दिस कार्बन अटैच विद वन कार्बन तो ये क्या हो गया मेरा प्राइमरी कार्बन अकेला कार्बन या वो किसी के साथ अटैच हो तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं दिस कार्बन ये वाला कार्बन है अटैच विद टू कार्बन सेकेंडरी कार्बन वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो टर्शी कार्बन दिस वन इज अवर प्राइमरी कार्बन दिस वन इज प्राइमरी कार्बन दिस वन इज प्राइमरी कार्बन दिस वन इज प्राइमरी कार्बन एंड दिस कार्बन इज कार्बन अब यहां पर जो कार्बन जैसा है उसके हाइड्रोजन की डिग्री भी वैसी ही होगी अब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए तो तीन तीन छीन नौ तीन बारह और तीन पंद्रह तो इस कंपाउंड में 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास यहां पर टू सेकेंडरी हाइड्रोजन है टर्शी हाइड्रोजन तो टर्शी हाइड्रोजन इस पूरे कंपाउंड में वन वन टी हाइड्रोजन है तो ये देखिए थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन थ्री ट्वेल्व एंड थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन प्राइमरी हाइड्रोजन टू सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड वन टर्शी हाइड्रोजन ओके तो दिस इज द डिग्री ऑफ कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन के पास ओ OH या अगर अगर प्राइमरी कार्बन के साथ ओ ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन के साथ ओ OH अटैच है तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ये देखिए हमारे पास एक अब यहां पर ओ OH लगा हुआ है क्या ये ओ प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो यस, दिस इज अवर प्राइमरी अल्कोहल सिमिलरली यहां पर ओएच OH लगा हुआ है तो क्या ये ओएच सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल तो ये वाला ओएच OH, इस कार्बन के पास लगा है, दैट इज टर्सी तो दिस इज कॉल्ड टर्शी अल्कोहल ओके okay? आइए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड नॉमिन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड तो सबसे पहले हमारे पास रूल है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन रूल तो पहला है हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन रूल तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन रूल में क्या होता है आपको चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो और कॉन्टिन्यूस हो फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर अब इसमें चेन क्या बन रही है एक तो चेन हमारी ये वाली बन रही है कॉन्टिन्यूस चेन ठीक है और एक चेन ये वाली बन रही है this. तो हम यह सीधे वाली चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सीधे वाली चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है जबकि अगर मैं साइड वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो साइड वाली चेन में

सो दैट साइड चेन और सब्सिट गेट लोएस्ट नंबर नंबर के टीन सचे हुए सो दैट साइड चेन और सब्सिटेंट गेट लोएस्ट नंबर ये जो हमारी जिस चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया है इस चेन के बाहर जो भी रह गया उसको हम करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला है। अब आपने छह नंबर की कार्बन की चेन सिलेक्ट की थी अब आपने इसकी जब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो सब्सिट्यूंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते तो इस ये लेफ्ट से नंबरिंग अगर स्टार्ट करते तो इस कार्बन को फोर नंबर मिल रहा है अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं और अगर मैं राइट right से स्टार्ट करता हूं तो इस कार्बन को जिसके साथ सब्सिटेंट अटैच है इसको तीन नंबर मिल रहा है तो हम तीन इसको सिलेक्ट ये जो लोएस्ट uh, नंबर वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे यानी कि हम लोग इसकी जो नंबरिंग है वो लेफ्ट से करेंगे ट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस विल भी नेक्स्ट हमारे पास अगर एक से ज्यादा सब्सिट्यूंट लगे हैं तो आप यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स ये वाला रूल अप्लाई करेंगे ये रूल क्या है फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हम लोग चलो इस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं अब इसमें नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं नंबरिंग राइट साइड से भी कर सकते हैं तो अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब इसमें जो पहला सब्सिटेंट लगा हुआ है वो दो नंबर पर है और दूसरा सब्सिट्य लगा हुआ है वो चार नंबर पर है अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो पहला सब्सिट्य लगा है वो तीन नंबर पर है और जो दूसरा सब्सिट्य लगा है वो पांच नंबर हमें कंपेयर करना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से जहां पर लोएस्ट वैल्यू होगी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे टोटली totally करना ये पहले लोएस्ट सम रूल बोलते थे वो वैलिड नहीं है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट लेना है तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर पहला सब्स्टिट्यूट अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो पहला सब्स्टिट्यूट कहां से है लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो पहला सब्स्टिट्यूट हमारा दो नंबर पर है और दूसरा सबसे चार नंबर पर है और अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो ये तीन नंबर पर है और ये फाइव नंबर पर है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही आ गया तो इसका मतलब हम ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे यानी कि ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा अब हम इसका नाम लिखते हैं टू कॉमा फोर कॉमा दो अगर हमारे पास नंबर्स होंगे उनके बीच कॉमा लगेगा नंबर एंड अल्फाबेट्स होंगे उनके बीच हाइफन लगेगा तो हमारे पास टू कॉमा फोर डैश ठीक है अब ये देखिए ये भी मेरा मिथाइल ग्रुप है ये भी मेरा मिथाइल ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल अगर दो होंगे तो शब्द डाई यूज करेंगे लिख देते हैं तीन होंगे तो ट्राई यूज करेंगे चार होंगे तो टेट्रा यूज करेंगे पांच होंगे तो पेंटा यूज करेंगे टेट्रा, डाईट्राइटेट्रापेट तो टू फोर डाई मिथाइल दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। टू फोर डाई मिथाइल हेक्सेन नेक्स्ट इफ इफ ोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इनवैलिड देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हम लोग प्रायोरिटी देंगे फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर एग्जांपल अब देखिए हमारे पास सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो लॉन्गेस्ट चेन वाली सिलेक्ट हो गई वन टू थ्री फोर फाइव अब यहां पर हमने इसको जब सिलेक्ट कर लिया अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको दो नंबर मिल रहा है और इस कार्बन को चार नंबर मिल रहा है और अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको दो नंबर मिल रहा है और इसको चार नंबर तो लेफ्ट साइड से दो नंबर एंड चार नंबर एंड राइट साइड से दो नंबर एंड चार नंबर हाँ जी इसका मतलब है लोएस्ट सेट, मतलब सेट इनवैलिड हो गया अब देखिए हमारे पास यहां पर ये क्या चीज है fluorine, और ये क्या चीज है दिसोरिन तो इसको क्या बोलेंगे फ्लोरोल को क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड क्लोरो तो इसका नाम अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो हमारी राइट एंड साइड वाली नंबरिंग सही रहेगी तो हम इसको क्या लिखेंगे टू क्लोरो फोर फ्लोरो एंड कितने कार्बन है टोटल हमारे पांच कार्बन है तो हम लोग इसको लिखेंगे पेंटेन टू क्लोरो फोर फ्लोरो पेंटेन नेक्स्ट फोर्थ फ सब्सिटेंट इज कॉम्प्लेक्स अगर हमारा सब्सिटेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसकी नेमिंग हमें अलग से करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि एक नंबर उसी कार्बन को देना है विच इज अटैच टू द मेन चेन और पेरेंट चेन इफ कॉम्प इफ सब्सिटेंट इज कॉम्प्लेक्स देन नेमिंग इट सेपरेटली फॉर is. अब देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है हमारे पास यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं या राइट right साइड से नंबरिंग करूं तो सबसे को सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इज इट क्लियर अब देखिए हमारे पास यहां ये सब्सिट्यूंट कॉम्प्लेक्स है तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है इस कार्बन को एक नंबर एक नंबर उसी कार्बन को देना है जो पेरेंट चेन से अटैच होगा और इसको दो नंबर और एक नंबर पर क्या लिखा हुआ है दिस इज अवर मिथाइल तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे वट वी कॉल इट मिथाइल इथाइल ये क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड हो गई तो ये इथाइल ये इथाइल लिखेंगे देखिए ये देखिए ना सी एच थ्री सी एच थ्री दिस इज इथिन तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू तो ये क्या हो गया दिस इज इथाइल तो वन मिथाइल इथाइल ये कितने नंबर पर लगा हुआ है दैट इज द तो वन मिथाइल इथाइल एंड सात कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे हेप्टेन दिस इज कॉल्ड हेप्टेन नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास अब एक अब क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसमें क्या है ये मेरा ये पेरेंट चेन हो गई और ये मेरा सबसे ज्वाइंट हो गया अब सबसे ज्वाइंट की नंबरिंग अलग से कर लो वन एंड टू तो वन पर ये भी मेरा मिथाइल ग्रुप है और ये भी मेरा मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे वन वन डाई मिथाइल क्योंकि जितना सब्सिटेंट जितने लगे होंगे उतनी बार हमें नंबर लिखना है तो हमारे पास वन वन डाई वन वन डाई मिथाइल दो कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड इथाइल इथेन इथाइल क्यों क्योंकि ये यहां पर ये बॉन्ड बन रही है ये वाली बॉन्ड बन रही है ये ये वाली बॉन्ड है ठीक है तो इसका मतलब हाइड्रोजन निकला हुआ है तो इसको इथेन बोलेंगे तो वन वन डाई मिथाइल इथाइल और ये कितने नंबर पर लगा है फोर नंबर पर लगा है तो इसको क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड हेप्टेन एंड आप डाई ट्राई सब्सिटेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा ये हम यूज कर सकते हैं बट अगर सब्सिट्युट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स का मतलब सब्सिटेंट की नाम के अंदर डाई आ रहा है ट्राई आ रहा है तो हम यूज करेंगे बिस ट्रेस, ट्रेस, ओके? तो अगर हमारे पास सब्सिटेंट के नाम में डाई ट्राई यूज हो रहा है तो फिर बाहर हम लोग उसको अगर एक से ज्यादा सब्सिटेंट है तो फिर बिस ट्रेस ऐसे यूज करेंगे आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन चार पांच छे साथ. तो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यहां पर एक दो तीन एक मिनट ये वाला कार्बन अब इसकी मुझे नेमिंग करनी है अब नेमिंग कैसे करूंगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गई वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू इसका मतलब है स्ट्रेट चेन वुड बी द लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर नंबर पर ये मेरा फोर नंबर है दिस और ये मेरा फोर नंबर तो फोर नंबर पर दो कॉम्प्लेक्स ऑप्शिचुण लगे हुए हैं दोनों एक जैसे हैं तो हम इनकी नंबरिंग करेंगे दिस इज वन और दिस इज टू तो इसको क्या बोलेंगे वी विल कॉल इट वन मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज अब इसका नाम भी वन मिथाइल इथाइल है नीचे वाले का भी वन मिथाइल इथाइल है तो ये कितने नंबर पर लगे हैं ये फोर नंबर पर लगे हैं तो इसको क्या लिखेंगे फोर फोर अब क्या इसके नाम के अंदर कोई डाई ट्राई है तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे फोर फोर डाई डाई वन मिथाइल इथाइल एंड सेवन है तो हम इसको क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड हेप्टेन. फोर फोर डाई वन मिथाइल इथाइल हेप्टेन. अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए एक दो तीन चार पांच छ सात तो यहां पर अब इसमें क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब फोर नंबर पर जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है तो इसको दिस इस ग्रुप का नाम है इसको अलग से हमें नंबरिंग करनी है वन एंड टू तो एक पर क्या लगा है ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है तो यानी कि वन पर भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है तो इसका नाम हो गया वन वन डाई मिथाइल इथाइल डाई मिथाइल One, one, तो वन वन डाईमिथाइल इथाइल ऊपर भी है और नीचे भी है तो नाम में ही डाई आ गया तो आप बाहर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे four, four. क्योंकि दोनों के दोनों चार नंबर पर लगे हैं फोर फोर बिस हाँ जी वन वन डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज और सेवन कार्बन है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे तो फोर फोर बिस वन वन डाई मिथाइल इथाइल तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि डाई कहां यूज करना है एंड बिस कहां यूज करना है ओके आइए नेक्स्ट इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल Then select the chain which contain maximum number of substituent. If two chains of equal length are possible, for example, a अब देखिए टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल मीन्स अगर मैं यहां पर इस चेन की बात करूंगा तो इसमें भी पांच कार्बन है और पांच कार्बन है तो ये सब्सिट्यूएंट है ये सब्सिट्यूंट है जो पेरेंट चेन से बाहर होगा वो सब्सिट्य होगा और सब्सिट्यूएंट छोटा हो बड़ा हो उसकी अहमियत उतनी ही होती है तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने सब्सिट्यूट है एक ऊपर और एक नीचे यानी कि टू सब्सिट्यूंट और अगर मैं ये वाले पांच कार्बन की चेन सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप इसमें कितने सब्सिटेंट होंगे एक तो ये वाला सब्सिटेंट हो गया एक दूसरा ये वाला सब्सिट्यूंट हो गया दो तीसरा ये वाला सब्सिट्यूंट हो गया तीन और चौथा ये वाला सब्सिटेंट हो गया चार तो टोटल चार सब्सिट्यूंट हो गया तो इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल तो हमारे पास वो चेन हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिट्यूट है तो हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे दिस वन अब हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो कैसे ये मेरा मिथाइल ग्रुप है ये इथाइल है ये मिथाइल है और ये इथाइल है तो दिस वन इज अवर वन टू थ्री फोर फाइव तो थ्री पर ये वाला ग्रुप इथाइल है ये वाला ग्रुप इथाइल है तो हम इसको क्या बोलेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब भी लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखना है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो गया थ्री थ्री क्योंकि दो इथाइल ग्रुप है और दोनों के दोनों तीन नंबर कार्बन पर लगे हुए हैं तो मैंने ये बोला है जितने भी सब्सिटेंट होंगे उतने बार वो नंबर लिखना है तो थ्री थ्री इथाइल जो डाई ट्राई टेट्रा होते हैं दीज आर नॉट यूज्ड टू तो डिटरमाइन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके तो थ्री थ्री डाई इथाइल फिर डैश नंबर एंड अल्फाबेट के बीच डैश का साइन जरूर होगा थ्री थ्री डाई इथाइल उसके बाद टू कॉमा फोर डाई मिथाइल एंड टोटल फाइव नंबर ऑफ कार्बन तो दिस इज कॉल्ड पेंटेन तो हमारे पास थ्री थ्री डाई इथाइल टू कॉमा फोर डाई मिथाइल दिस इज पेंटेन दिस विल बी द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड तो व्हेन वी आर हैविंग द टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट देन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिटेंट वेरी इंपॉर्टेंट आइए कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर कई बार एग्जामिनर क्या करेगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है अब आपने क्या करना है सबसे पहले उसको ओपन कीजिए सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच यहां पर क्या हो गया बोल सी एस थ्री और यहां पर क्या हो गया सी एच थ्री अब देखिए यहां पर ये सी एच है ना आप इसको ओपन कैसे कर सकते हैं कार्बन की वैलेंसी से तो ये सी एच है तो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी चार होती है एक बॉन्ड इसके साथ हो गई एक हाइड्रोजन के साथ होगी इसका मतलब दो सी एस थ्री ऊपर और नीचे लगे हुए हैं तो इसकी सल, इसकी नंबरिंग करनी है इसकी नेमिंग करनी है तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो यहां पर किसी भी डायरेक्शन से जाओगे चार कार्बन वाली ही चेन बन रही है तो नंबरिंग करें वन टू थ्री एंड फोर तो टू पर क्या है हमारा मिथाइल तो इसको क्या बोलेंगे टू मिथाइल ब्यूटे तो दिस इज कॉल्ड टू मिथाइल ब्यूटे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दू सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी टू सिंगल बॉन्ड सी और यहां पर सी एच थ्री थ्राइस तो इसको कैसे ओपन करेंगे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी दिस इज सी एस थ्री दिस इज सी एस थ्री एंड दिस इज सी एस थ्री ये हमारा मिथाइल हो गया तो यहां पर वन टू थ्री एंड फोर तो टू पर ये मेरा मिथाइल है और ये मेरा मिथाइल है तो दिस इज कॉल्ड टू टू डाई मिथाइल ब्यूटी उूट टू डायमिथाइल प्यूटेन ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉउंड यानी कि सैच्युरेटेड कंपाउंड तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल होते हैं दैट इज कॉल्ड अनसेटेड कंपाउंड ओके नेक्स्ट नेमिंग ऑफ कंपाउंड यस नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड वी आर हैविंग आईदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब अल्कीन है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आई तो हमारे पास फर्स्ट सेलेक्ट द चेन सेलेक्ट द चेन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड whether longest or not doesn't matter. To select the chain which contain multiple bond, whether longest or not. तो हमें इस बात से कोई आ, मतलब नहीं है कि वो chain लंबी है या नहीं। यहाँ पर एक example लेते हैं, C डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां पर हम लोग ले लेते हैं कार्बन और नीचे आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब इसमें क्या है अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूं, तो वन लॉन्गेस्ट चेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके बट हमें ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ये नहीं कहना कि ये देखिए एक कार्बन तो प्रेजेंट है ये गलत हो जाएगा दोनों के दोनों कार्बन इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी ओके तो दिस इसको हम लोग हमारी लॉन्गेस्ट नेक्स्ट नंबरिंग इट इन सच ए वे सो दैट कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर तो नंबरिंग इट इन सच ए वे सो सो दैट कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल तो इसकी जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गई वन टू थ्री फोर तो इसका नाम क्या है दिस इज कॉल्ड ब्यूट ब्यूट वन इन आप इसको वन ब्यूटीन भी बोल सकते हो या सिंपल ब्यूटीन भी बोल सकते हो या वन ब्यूटीन भी बोल सकते हो बट करेक्ट क्या होगा ब्यूट वन ओके नेक्स्ट इफ सेट ऑफ लोकेंट्स इनवैलिड देन डबल बॉन्ड मस्ट गेट प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो डबल बॉन्ड है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो अलकीन है अलकीन जो अलकीन है वो अलकाइन का डेरिवेटिव है लिखना कैसे है? आप देखिए लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर वन टू थ्री फोर और अगर राइट right से नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर ठीक है दोनों ही साइड से डबल बाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड ट्रिपल बाउंड कंटेनिंग कार्बन को सेम नंबरिंग मिल रही है तो इसका मतलब है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट इन है तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे लेफ्ट साइड वाली नंबरिंग तो इसका नाम क्या होगा इट्स नेम विल बी ब्यूट सबसे सब पहले ब्यूट क्योंकि हमारे पास कार्बन कितने चार उसके बाद हाइफन अब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखोगे वन इन इन एंड फोर आइन दिस अब जब हम ये लिख रहे हैं तो ये इन का जो ई है वो कैंसिल हो जाता है तो इसको इसका फाइनल क्या होगा दिस विल बी ब्यूट वन इन एंड फोर आईन ऐसे लिखा जाता है अगर मेरे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो शब्द डाई ट्राई प्रफिक्स हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी अब देखिए इसका क्या हो गया वन टू थ्री फोर तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटा वन थ्री डाइन ब्यूटा वन थ्री डाइन सिमिलरली सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटा वन थ्री डाइन तो यहां पर ए जरूर लगाना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ए ब्यूटा नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी अब इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है बट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इन वैलिड नहीं है वो वैलिड है क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो इसको इस कार्बन को एक नंबर दोगे और इस कार्बन को तीन नंबर दोगे और अगर आप राइट साइड से जाओगे इस कार्बन को दो नंबर दोगे और इस कार्बन को चार नंबर दोगे तो इसका मतलब हमें जो नंबरिंग करनी है वो लेफ्ट साइड से करनी है यहां पर वो नहीं देखना कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या ट्रिपल बाउंड को वो तभी प्रायोरिटी देनी है जब हमारे पास लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जिसको लोएस्ट सम रूल भी कई बार पुराने बोलते थे पुरानी बुक्स में लिखा भी हुआ है बट आजकल जो एनसीईआरटी ने करेक्ट वर्जन दिया है दैट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो इसका जो नाम होगा दैट इज पेंटा इसकी पूरी नेमिंग कर लो पूरी पहले नंबरिंग करिए तो दिस विल बी पेंटा वन इन एंड थ्री आई तो दिस इज पेंट यहां पर ये ए हट जाएगा क्योंकि ए तभी यूज करना है जब डाई ट्राई होगा तो यहां पर पेंट तो दिस विल बी पेंट वन इन एंड थ्री आई नेक्स्ट हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर हमने ब्रोमे लगा दिया अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो थ्री पर क्या है हमारा ब्रोमो तो इसको लिखेंगे थ्री ब्रोमो थ्री ब्रोमो हाइफन उसके बाद हमारे पास पेंटा वन फोर डाई ब्रोमो पेंटा वन फोर डाई एक बात याद रखनी है हमें सी एच टू डबल वन सी एच टू दिस इज कॉल्ड इथिन तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगी तो दिस इज कॉल्ड एथिनाइल। दिस वन इज अवर थेनाइल जिसको हम लोग विनाइल भी बोलते हैं कॉल इट विनाइल सिमिलरली हमारे पास सी एस टू डबल बॉन्ड बस इस तरीके से हो तो, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइलीडीन। और हम इसको मिथाइलीन भी बोलते हैं इफ वी आर हैविंग सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिटी नाउ कंसीडर वन मोर एग्जांपल वी आर हैविंग सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एंड डबल बॉन्ड सी अब इसमें क्या होगा हमारे पास लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सेम ही रहेगी तो हम लेफ्ट साइड से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अब थ्री पर क्या लगा है दिस हमारा सी एस टू डबल बॉन्ड तो इसको क्या बोलते हैं थ्री मिथाइलीडिंग दो डबल बॉन्ड है तो दैट इज पेंटा वन फोर डाइन तो थ्री मिथ हाँ पेंटा वन फोर डाइन अब देखिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एक मिनट डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी अब इस कंपाउंड को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलो तो लेफ्ट हैंड साइड वन टू थ्री अब सीधा जाते हैं तो भी पांच कार्बन की चेन बन रही है और नीचे आते हैं तो भी पांच कार्बन की चेन बन रही है और लोएस्ट सम रूल यानी कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इनवैलिड है तो हम सीधा जाओ हम सीधा जाए या फिर ब्रांचिंग में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट इनवैलिड होता है तो डबल बाउंड को प्रायोरिटी देनी है तो क्या होगा फोर एंड फाइव इसका मतलब ये हमारी पेरेंट चेन होगी दिस वुड बी पेरेंट चेन ये हमारी पेरेंट चेन है और ये क्या है दिस इज कॉल्ड इथाइन ये हमारा इथाइन है तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड हो गई तो दिस इज अवर इथाइनाइल हमारा इथाइनाइल हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे थ्री इथाइनाइल पेंटा वन फोर डाई पेंटा डाई ट्राई टेट्रा जब भी होगा तो वर्ड रूट के साथ ए आएगा ये याद रखना है नेक्स्ट अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एक और एग्जांपल लेते हैं अब इस एग्जाम्पल में क्या होगा हमारे पास या तो हम सीधा जा सकते हैं या तो ब्रांचिंग में भी आ सकते हैं बट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मल्टीपल बाउंड तो मल्टीपल बाउंड वाली हमारी ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर ऐसा पहले एग्जाम्पल में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ चेन लेंथ सेम थी अब यहां पर सीधा इसलिए किया क्योंकि हमें बड़ी चेन मिल रही है तो तो हमारा तीन नंबर पर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अवर इथेनाइल यानी कि थ्री इथेनाइल अब देखिए थ्री इथेनाइल पेंटा सॉरी पेंट पेंट क्या लिखेंगे वन इन एंड फाइव आई थ्रो थ्री थे पेंट वन इन एंड फाइव आई तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नाउ लेट्स डिस्कस नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सिन ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहला रूल है इफ सब्सिशेंट प्रेजेंट देन फॉलो यहां पर लोएस्ट सम रूल भी लग सकता है इफ एलएस आर इनवैलिड फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर साइक्लिक कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं अब देखिये ये कंपाउंड हमने लिया एग्जाम्पल इसका नाम क्या हो गया दिस इज अवर वन टू ये वाला इसका मतलब एक एक कार्बन लगा है दैट इज मिथाइल ग्रुप तो वन टू डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन नेक्स्ट अब देखिए अगर हम इस सब्सिट्यूंट की बात करें यह है हमारा मिथाइल और यह सब्सिटेंट है हमारा इथाइल अब अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं वन टू थ्री फोर तो पहले सब्सिडेंट को वन नंबर मिला दूसरे को फोर एंड दैट विल टू और अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं थ्री फोर तो पहले को वन दूसरे को फोर एंड यहां पर क्या हो गया फाइव अब दोनों तरफ से हमारे पास नंबरिंग सेम आ रही है तो इसीलिए लोएस्ट सम रूल यहां पर इनवैलिड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फॉलो करेंगे यह मेरा इथाइल ग्रुप है दिस वन इज इथाइल ग्रुप। और यह वाला है मिथाइल ग्रुप तो इथाइल को हम एक नंबर देंगे वन टू थ्री एंड फोर तो इसका नाम क्या होगा लिखना भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है वन इथाइल हां जी फोर मिथाइल इक्लोहेक्सिड वन इथाइल फोर मिथाइल साइक्लोहेक्स नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, कंसिडर दिस कंपाउंड अब इस कंपाउंड की हम लोग नंबरी कहां से स्टार्ट करें अगर हम इथाइल वाले को एक नंबर देते हैं तो यहां पर वन टू थ्री अब देखिए इथाइल वाला सब्सिटेंट को एक नंबर दिया कार्बन को एक नंबर दिया इथाइल सब्सिटेंट वाले कार्बन को एक नंबर दिया मिथाइल वाले को थ्री प्लस थ्री तो ये टोटल कितना हो गया सेवन और अगर हम एक नंबर उस कार्बन को देते हैं जहां पर दो मिथाइल हैं ये मेरा वन टू एंड थ्री तो इसका क्या, क्या? One plus one plus so तो हो गया वन प्लस तो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव तो ऊपर वाला इनवैलिड हो गया नीचे वाला वैलिड है तो हम ब्लू के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट विल बी लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और ये क्या हो गया थ्री इथाइल वन वन डाइम इथाइल थ्री इथाइल वन वन डायम साइक्लोहेक्सेन। ओके अब देखो इफ नंबर ऑफ कार्बन इन द साइड चेन आर मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग देन रिंग इज कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको मेन कंसिडर करना है और दूसरे को सबसे ज्वाइंट कंसिडर करना है अब इसमें क्या है हमारी ये साइड चेन है तो साइड चेन में कितने कार्बन है पांच कार्बन है और ये रिंग कितने कार्बन की है ये रिंग तीन कार्बन की है तो क्या होगा नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो ये क्या हो गया हमारा टू साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन था अब क्योंकि एज ए सब्सिडेंट काम कर रहा है एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो प्रोपाइल बन गया तो ये क्या हो गया टू साइक्लो प्रोपाइल एंड पेंटेन। अब चेन को मेन कंसीडर किया है क्यों क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे ज्यादा है। अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते तो हम रिंग को मेन कंसिडर करते फॉर एग्जाम्पल अब ये कंपाउंड है इस कंपाउंड में क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितनी है सिक्स और हमारे पास साइड चेन में कितने हैं दैट इज टोटल मिलाकर अगर कंसिडर किया जाए वन टू थ्री फोर तो हमारे पास जो साइड है वो क्या हो गया सब्सिटेंट जो सब साइड चेन है वो सब्सिटेंट की तरह काम करेगी तो क्या हो गया दिस इज नंबरिंग करिए इसकी इसको एक नंबर और इसको दो नंबर तो ये एक नंबर एंड दो नंबर तो इसको क्या बोलेंगे वन वन डाई मिथाइल, इथाइल ठीक है अब आप यहां पर एक लिखना चाहते तो लिखे नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है साइक्लो ठीक है यह तब अप्लाई करना है जब मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप का कोई कंसिडरेशन नहीं है बट अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शन ग्रुप या फिर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा सबसे प्रायोरिटी पहले देनी है फंक्शन ग्रुप को फिर देनी है मल्टीपल बॉन्ड को और फिर देनी है साइड चेन को जिसको हम लोग सब्सिटेंट भी बोलते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर साइड चेन में डबल बॉन्ड है बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो साइड चेन को ही मेन कंसीडर करना है ठीक है तो हमारे पास यहां पर वन टू थ्री एंड फोर वन पर क्या हो गया ये सब्सिडेंट है तो वन साइक्लोहेक्साइल ब्यूट टू इन तो दिस विल बी द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है अब देखिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या सब्सिटेंट को पहले तो पहले प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को मिलेगी तो हमारे पास वन टू थ्री तो दिस वन विल बी थ्री मिथाइल साइक्लो हेक्स वन इन लिखो या फिर हैक्स इन लिखो थ्री मिथाइल साइक्लोहैक्सी एक और एग्जांपल बच्चों डिस्कस कर डिस्कस करते हैं अब इस कंपाउंड की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी ये वाला कार्बन है अब देखो अगर मैं इसकी जो नंबरिंग है यहां से स्टार्ट करता हूं तो वन यहां पर टू तो हमारे पास यहां से स्टार्ट करने का फायदा क्या हुआ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को कम नंबर मिल गया और दूसरा जहां पर सब्सिट्यूंट लगा हुआ है उसको भी कम नंबर मिल गया तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहां पर क्या हो गया इसका नाम होगा सिक्स ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सिन सिक्स ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सिन